तो गाइस आदिपुरुष जैसी बिलो एवरेज मूवी देने के बाद प्रभास लेके आ रहे हैं उनकी दूसरी मूवी सलार, जिसका टीजर आज ही सुबह 5:12 को रिलीज कर दिया गया है। टीजर को देख के मैं ये बताऊं तो टीजर में जितना हमको दिखाया गया है उसमें ज्यादा कुछ हमें रिवील देखने को नहीं मिलता है, यहाँ तक कि हमें प्रभास का प्रॉपर सलार लुक भी हमें देखने को नहीं मिलता है। और प्रशांत नील की आगे जो दो मूवीज आई है KGF Chapter 1 और KGF Chapter 2, उसे देखने के बाद यही एक्सपेक्ट कर रहा था प्रशांत नील से सलार के टीजर से, क्योंकि KGF Chapter 1 और 2 में हमें जिस किस्म का सिनेमेटोग्राफी हमें देखने को मिलता है वही सेम सिनेमेटोग्राफी आपको यहाँ पे सलार के टीजर में भी देखने को मिलता है, जो कि प्रशांत नील हमें डायरेक्ट बता रहे कि सलार KGF यूनिवर्स का एक पार्ट है। सबसे पहले हमें टीजर के स्टार्टिंग में हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है, चीता टाइगर एलिफेंट ये सब तो जंगल में होते हैं पर वो सब जुरासिक पार्क में नहीं होते हैं। उसके बाद एंट्री होता है हमारे सलार का, हमारे प्रभास का। यहाँ पे प्रशांत नील सीधा सीधा बोलना चाहते हैं कि सलार जो है, प्रभास जो है, वो उनका सीधा ताल्लुक डायनासोर से किया जा रहा है, क्योंकि गाइस जुरासिक पार्क में सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर वो एक ही होता है, वो है डायनासोर। और गाइस प्रभास को सीधा सीधा यहाँ पे डायनासोर के साथ लिंक किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें सलार का जो पावर कैपेसिटी है वो हमें बताया जा रहा है थ्रू डायनासोर। और गाइस यहाँ पे हमें जिस तरीके का आर्मर्स, जिस तरीके का गन्स, मिसाइल्स, लॉन्चर, रॉकेट ये सब हमें दिखाए गए हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि सलार जो है वो KGF के टाइम के बाद वो एस्टेब्लिश करता है, बहुत टाइम के बाद वो एस्टेब्लिश करता है। क्योंकि गाइस हमें KGF Chapter 1 और 2 में जिस तरीके का गन्स, मिसाइल्स और मशीन गन जो हमें देखने को मिले वो इस वेपन से बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। यहाँ पे जिस तरीके का आर्मर सोल्जर्स जो पहने हुए हैं, जिस तरीके का टैग यहाँ पे लगा हुआ है, इससे साफ जारी होता है कि इसका स्टोरीलाइन KGF के बाद का है। यहाँ पे जिस तरीके का सिनेमेटोग्राफी और जिस तरीके का सीन्स हमें यहाँ पे दिखाया गया, जिस तरीके का लोकेशन हमें यहाँ पे दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा मैच करते हैं हमारे KGF यूनिवर्स के साथ। और टीजर में जब पृथ्वीराज सुकुमार का जब एंट्री होता है तो गाइस मैं शॉक हो जाता हूँ कि इस बंदे का इतना क्लासी लेवल में इतना ड्रेस्टिक चेंज हमें देखने को मिला है। मतलब पृथ्वीराज सुकुमार को मैं उनके पिछले मूवी से भी फॉलो करता हूँ और नो डाउट वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एक्टर हैं हमारे मलयालम इंडस्ट्री से। और गैस यहाँ पे उनका लुक पूरा ही अलग है, मैं तो शॉक हो गया कि इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको बिग स्क्रीन में देखने के लिए, और फिर भाई सलार जैसे बिग बजट और बिग कॉन्टेंट मूवी में। और गैस यहाँ पे और भी ज़्यादा कैरेक्टर थे, जैसे श्रुति हसन भी थे, उनका भी एक छोटा मोटा ग्लिम्स हमें देखने को मिल जाता तो अच्छा लगता है यार। सबके मन में ये भी सवाल होगा कि सलार का जो सिनेमेटोग्राफी है वो KGF यूनिवर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, यहाँ तक कि हद से ज़्यादा मैच करता है। इसका भी एक सिंपल कारण ये है कि KGF चैप्टर 1 और 2 वो भी एक ही यूनिवर्स का है और सलार भी एक ही यूनिवर्स का है, तो गैस उनके बीच में एक कनेक्शन दिखाने के लिए, मतलब एक लिंक दिखाने के लिए ऐसा सिनेमेटोग्राफी बनाना कंपलसरी है, सेंस बनता है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बोलूं तो गैस आप जैक स्नाइडर की मूवी जो आप देखे हो, जैसे कि मैन ऑफ स्टील हो गया, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन हो गया और जस्टिस लीग स्नाइडर कट, वो सब क्यों इतने ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, क्योंकि वो सब एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जैक स्नाइडर यूनिवर्स से, इसलिए उनका ऐसा सिनेमेटोग्राफी ऐसा दिखना वो कंपलसरी भी है। और गाइस मैं यहाँ पे KGF यूनिवर्स को और जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं करूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होना कंपलसरी है। दो मूवी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कनेक्शन है, वो दिखाने के लिए ऐसा सिनेमेटोग्राफी होना कंपलसरी है। टीजर के एंडिंग में हमें पता चलता है कि ये सलार का बस Part 1 रिलीज होने वाला है, जो कि है सीज फायर नाम से, इसका सेकेंड सिक्वल भी आएगा। और गाइस यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो जो हेटर्स ये बोल रहे हैं ना KGF 2 का टीजर सबसे ज्यादा अच्छा था और सलार का जो टीजर है वो बहुत ही ज्यादा डल और बहुत ही ज्यादा कम हाइप टाइप का लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वो KGF चैप्टर 2 का टीजर था, तब हमें स्टोरी का अंदाजा था कि रॉकी भाई कौन है, ये KGF यूनिवर्स कौन है, वो एक अलग पार्ट था, यहाँ पे सलार का पार्ट है। लेकिन जब KGF चैप्टर 1 रिलीज हुआ था ना, तब KGF के स्टोरी के बारे में हमको उतना कुछ ज्यादा पता नहीं था और उसका उतना ज्यादा हाइप भी नहीं था। सलार का एक अलग स्टोरी लाइन है, ये तो बस उसका फर्स्ट पार्ट का पहला टीजर है, तो हमें स्टोरी भी तो उतना ज्यादा पता नहीं है, तो हमें भी थोड़ा धीरज रखना चाहिए। जो जो ये बात सोच रहे हो ना कि जब टू का टीजर अच्छा था एज कम्पेयर टू सलार का टीजर, तो भाई ये Part 1 है, अभी तक हमें स्टोरी कुछ पता नहीं है, तो कहता हूँ होप रखिए, जब इस मूवी का ट्रेलर आएगा ना तब भी मुझे जो लग रहा है तो हमें ज्यादा कुछ रिवील देखने को नहीं मिलेगा, हमें सीधा सीधा मूवी
में ही देखने को मिलेगा। और यही होता है मार्केटिंग। जब किसी मूवी का टीजर या ट्रेलर रिलीज होता है, वहाँ पे जब ऑडियंस को लगता है कि ये क्या है, यहाँ पे हमें कुछ स्टोरी लाइन ही कुछ देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये होता है मार्केटिंग, ये होता है हाइप, जो कि ऑडियंस को सीधे थिएटर में लेके जाती है और वहाँ पे रिवील खोलता है बिग स्क्रीन पे और वहाँ पे हमें मजा देता है। वही चीज़ हमें सलार में भी देखने को मिलेगा। वेट करो यार, ये पार्ट वन है, जब उसका पार्ट टू आएगा ना, जब उसके टीजर में यदि कोई खामियां होगा, तब मैं मानूंगा कि KGF चैप्टर 2 का जो टीजर था वो सलार पार्ट 2 के टीजर से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन सलार के टीजर को देख के जो हाइप था ना मेरा, उससे 50% हाइप कम गया मेरा, क्योंकि ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, KGF जैसा फील मेरे को लगा नहीं। और यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करता है, और मुझे टीजर से ज्यादा ना मूवी का एक ग्लिम्स लगा। तो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टीजर को लेके, वो सब कमेंट्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और गाइस इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। ऐसे बहुत ही अमेजिंग अपडेट सलार के थ्रू से आने वाला है मेरे चैनल पे, और वो यदि आपको देखना है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।